सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश कुमार यादव, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्वाइट सिमिलर है जो लास्ट हमने वीडियो में किया था। तो देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने देखा था कि भाई, अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब है, उसको अगर हम एक कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमने किया था, हमने कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कराया था, उससे हमारा कैपेसिटेंस का रिलेशन आया था सी इक्वल्स टू सी नॉट वन माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि ये फैक्टर जो है वो हमेशा कम होगा, जिस कारण से कैपेसिटेंस जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम एक कैपेसिटेंस यहाँ पर अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं जो कि पूरे मीडियम के बीच में नहीं आएगी, तो उस केस में क्या होगा, हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि भाई, अगर ये जो स्लैब है ये हमारी कंडक्टिंग ना होकर अगर डाइलेक्ट्रिक होती है तो उस केस में क्या होता है। सो बिल्कुल सिमिलर केस है। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन टी विद वैक्यूम इन बिटवीन इज सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। कि भाई, जब हमारे पास कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगी, ठीक है, इन दैट केस जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या होगी, हम ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, जब यहाँ पर बिल्कुल वैक्यूम होगा, कोई मीडियम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ए है वो इन प्लेट्स का एरिया है और डी जो है वो इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है। अब हमने क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, जिसके थिकनेस यहाँ पर है टी। अब क्या होगा भाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराने थे, यहाँ पर कुछ चार्ज क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड जो चार्ज इंड्यूस होगा, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। बेसिकली ये जो है ये पोलराइज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और पोलराइजेशन होने के ऊपर भाई ये जो चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज है और यहाँ का चार्ज बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ चार्ज क्यू है तो यहाँ पर जो चार्ज है ये चार्ज होगा हमारा क्यू आई, ठीक है, इंड्यूस चार्ज, दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर माइनस क्यू है तो यहाँ पर क्यू आई जो चार्ज है वो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू आई चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई नोट, हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैपेसिटर प्रोवाइड करा रहा है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी यहाँ पर जनरेट हो गई है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी बन जाएगी भाई, ई नोट जो है वो इस डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन गई है। सो नेट हमारी रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई पी। ठीक है, ई नोट जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई नोट से कम होगी, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ई नोट माइनस ई पी, और ये जो है इसकी डायरेक्शन ये होगी, जिस डायरेक्शन में हमारी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लास्ट वाले केस की तरह नहीं होगा, लास्ट वाले केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो बन रही थी, बट इन दिस केस हियर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई। ठीक है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही जनरेट हो रही है। सो व्हेन अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट, जब हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराएंगे, द मॉलिक्यूल ऑफ द स्लैब पोलराइज्ड, जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलराइज हो जाएंगे, अपने आप को लाइन कर लेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सो ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द अपोजिट टू ई नोट। तो यहाँ पर ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जो कि ई नोट के अपोजिट होगी, एंड इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द डायलेक्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस ई पी, ठीक है, विच इज अलोंग द ई नोट, जो कि ई नोट की अलोंग होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी अलोंग ई नोट, ठीक है, एंड आउटसाइड द डायलेक्ट्रिक, बाहर अगर हम देखेंगे, बाहर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये ई नोट ही, यहाँ पर जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जो कि ई नोट से कुछ कम है। अब देखिए इसका कैपेसिटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्पेसिंग। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ड्राइव करते हैं, सो इन दैट केस भी वी जो है वो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर अब जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन के अंदर ई नोट है और इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले अगर हम इस रीजन की बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पर बिल्कुल ये रीजन नहीं है, इसको बिल्कुल हम यहाँ पर छोड़ दें, तो अगर हम इस रीजन की बात करें केवल, तो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजन की स्पेस कितनी है, सो डी है टोटल, और डी में से टी अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये वाला हमारा रीजन आ जाता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा ई नोट डी माइनस टी, और प्लस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी है, और वो कितनी है, वो है यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ई, और स्पेस कितना है यहाँ पर, सो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के बीच में स्पेस है यहाँ पर टी, सो इनटू टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम सोल्व करते हैं, सो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि भाई जो ई है, ई इज इक्वल्स टू
कितना होता है, ई इक्वल्स टू ई नोट डिवाइडेड बाई के। ये हमने पोलराइजेशन जो था वहां पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू ई नोट टी माइनस टी एंड प्लस ई नोट डिवाइडेड बाई के इंटू टी। ओके, अच्छा आप देखिए यहाँ पर जो ई नोट है वो कॉमन आ जाएगा, सो वी इक्वल्स टू ई नोट यहाँ पर कॉमन आ जाता है, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा टी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, अच्छा अभी हमको पता है कि भाई जो ई नोट है, ई नोट होती है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट टी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती है, दैट इज यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है क्यू पर यूनिट एरिया, ठीक है भाई, जो चार्ज होगा चार्ज पर यूनिट एरिया ये यहाँ पर हमारी डेंसिटी हो जाएगी। सो हेयर वी इज इक्वल्स टू, सो हेयर वी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। सो ये यहाँ पर हमने निकाल लिया पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए अब ये जो पोटेंशियल है, अब हम इसको हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। सो कैपेसिटेंस हमारे पास होती है सी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के अंदर वी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं ऊपर से। सो ये वी की वैल्यू हमने निकाल ली है, सो सी इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, और वी है यहाँ पर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी माइनस टी प्लस टी बाय के। ओके, इसको सोल्व करते हैं, सो सी इक्वल्स टू क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। यहाँ पर देखिए q से q कैंसिल आउट हो जाता है, सो c इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन, इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नीचे जो है भाई d यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, सो d यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, सो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी, और डी कॉमन आएगा तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, वन माइनस टी डिवाइडेड बाय टी प्लस टी डिवाइडेड बाय डी इंटू के, ठीक है। अब देखिए ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी ये किसके बराबर था, यहाँ पर ये बराबर होगा क्वेश्चन वन का यूज करके हम कह सकते हैं कि सी नोट के बराबर होगा। सो यूजिंग इक्वेशन वन, C इज इक्वल्स टू सी नोट डिवाइडेड बाय वन माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय टी इंटू के, और इस रिलेशन को भी यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर भी देखिए हम क्या कह सकते हैं भाई कि C नोट है, और C नोट जो है वो इतना फैक्टर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, जब हमने यहां पर कोई स्लैब इंट्रोड्यूस कराई है, सो C नोट जो है इसके डिवाइड में इतना फैक्टर है, मतलब ये जो वैल्यू है वो हमेशा C नोट से कम आएगी, C नोट से हमेशा कम आएगी C की वैल्यू, ठीक है। सो यहां पर भाई इन दैट केस हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। सो हेयर सो C इज ग्रेटर देन C नोट, ठीक है। तो हम इसको भाई इस फैक्टर से भी समझ सकते हैं कि जब T जो है वो D के बराबर हो जाएगा, कि हम जो स्लैब भर रहे हैं, ये जो स्लैब है ये बेसिकली स्लैब जो है पूरे हम यहाँ पर इसके अंदर भर देंगे, ठीक है, ये कोई जो स्लैब है इस पूरे कैपेसिटर के अंदर हमने इसको भर दिया यहाँ पर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम भाई टी को डी के बराबर पुट कर सकते हैं, सो टी बाई डी इसको लिख सकते हैं हम डी बाई डी प्लस टी बाई डी के, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी के, और डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सो वन माइनस वन जीरो प्लस डी से डी कैंसिल वन बाय के, और के प्लट के यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, सो सी इक्वल्स टू के सी नोट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारी कैपेसिटेंस है वो के टाइम इंक्रीज हो जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड ए डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग डायलैक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटर इंक्रीजेस,
ठीक है, और अगर वो पूरी प्लेट्स के अंदर भरी है तो किस फैक्टर से इंक्रीज होगी, तो बेसिकली जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने ही फैक्टर हमारे जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यही कारण है कि भाई हम जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं कैपेसिटर्स के बीच में हमेशा हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, और कितने बढ़ जाती है, सो पूरी अगर उसके अंदर भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वहाँ पर के, उतने टाइम से यहाँ पर उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।